तो भाई लोग तुम लोग भी चाहते हो एक प्रोफेशनल गेमिंग थंबनेल बनाना, तो यार एकदम ही सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम इजीली एक प्रोफेशनल थंबनेल बना पाओगे। और यार तुम लोग ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो पहले तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहले तो आपको PSCC में आके एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, तो आपको विथ 1920 लेना पड़ेगा और आपको हाइट 1080 रखना पड़ेगा। फिर आपको एक इमेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं पैक का लिंक दे दूंगा, चिंता मत करो। तो इस फोटो को लेने के बाद आपको अपना जो कैरेक्टर है उसको लेना पड़ेगा। तो ये ले मैंने कैरेक्टर को आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका जो व्यूअर है उसको देखने में अच्छा लगे। तो अब इसका सिलेक्ट पिक्सल करके आपको एक एम्प्टी लेयर बना के उसको स्ट्रोक देना है। तो आप जिस भी कलर में बनाना चाहते हो वो कलर ले लो और जो विथ है उसको एक कर दो। अभी आपने जिस पे स्टोक दिया उसको सिलेक्ट पिक्सल करो और आपको ट्रांसफॉर्म में जाके -4 से लेके 5 तक दे सकते हो, जिससे जो आपका आउटलाइन है वो पतला लगे। और फिर आप जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। तो देख ही सकते हो अभी जो इसका आउटलाइन है वो पतला लग रहा है। तो इसके बाद अभी इफेक्ट्स पे जाके ग्लो पे जाओ और आप जिस भी कलर पे बनाना चाहते हो कलर सिलेक्ट कर लो और आपको 15 का ब्लर देना पड़ेगा। देन आपका स्टोक वाला लेयर पे जाओ, उसको लिलियन डॉज ऐड कर दो एंड उसको डुप्लीकेट लेयर कर दो। फिर जो दोनों लेयर होंगे उसको मर्ज डाउन कर दो। और भाई लोग मर्ज डाउन करने के बाद आपको फिर से जाना पड़ेगा ग्लो पे, आपको फिर ग्लो देना पड़ेगा। इस बार जो आपका इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम कर लो और जब ब्लर होगा उसको ज्यादा कर लो। तो ऐसे आपको घटाते बढ़ाने रहना है और जब एकदम ही बेस्ट लगे तो उसको ओके कर दो। तो अभी देख सकते हो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको ओके कर लेते हैं। तो देख ही सकते हो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद अपने कैरेक्टर वाले लेयर पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट पिक्सल करो। फिर एक एम्प्टी लेयर बना के आपको फिल एंड स्ट्रोक पे जाके इसको फिल कर देना है। एंड ये जो लेयर है आपको कैरेक्टर के नीचे रखना है और आपको ग्लस एंड ब्लड दे देना है। और फिल वाले लेयर को आपको लीनियर डॉस देना है और 2 बार इसको ग्लस एंड ब्लड फिर से दे देना है। तो देख ही सकते हो देखने में कते जहर लग रहा है हमारा कैरेक्टर। इसके बाद आपको जो टेक्स्ट है उसको ले लेना पड़ेगा और जो टेक्स्ट का फॉन्ट है मैंने पैक पे दे दिया है, देख लेना। तो अभी मैं ये दोनों लाइन को अलग कर ले रहा हूँ क्योंकि जो नीचे और ऊपर का टेक्स्ट है उसको हम अलग अलग कलर पे बनाएंगे। फिर आपका जो टेक्स्ट होगा उसको थोड़ा बड़ा कर लेना जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। फिर आपको ये ओके करना है, ओके करने के बाद सिलेक्ट पिक्सल करना है। तो अभी हम ऊपर वाले टेक्स्ट को कलर देंगे, तो आपको फिल एंड स्ट्रोक पे आ जाना पड़ेगा और उसको फिल कर देना पड़ेगा जिस कलर पे आप बनाना चाहते हो। हमने जो कैरेक्टर का ग्लो है वो ऑरेंज दिया है, उसने हम ऑरेंज कलर का टेक्स्ट लेते हैं और मोड को आपको माइनस पे करके ऐसे हाफ कर देना पड़ेगा और देन आपको ट्रांसफॉर्म में जाके इसको -5 कर देना पड़ेगा। तो पहले तो -5 कर लेते हैं, देन आपको जाना पड़ेगा ग्रेडियंट पे। और आपको ग्रेडियंट बनाना नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं ग्रेडियंट बनाना सिखा दूंगा। तो अभी आपको जो प्रोफेशनल थंबनेल है वो उस टेक को आप सिलेक्ट पिक्सल कर लो। देन आपको मोड है उसको माइनस पे करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेता हूँ मैं। तो इसके करने के बाद सेम प्रोसेस है, तो आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाके आपको इसको -5 करना पड़ेगा। देन आपको अपना जो ग्रेडियंट है वहाँ पे जाना पड़ेगा और ऐसा एक ग्रेडियंट देना पड़ेगा। फिर आपको जो टेस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म में जाके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर जो आपका दोनों टेस्ट है उसको मर्ज डाउन कर लेना है। देन आपको जो ट्रांसफॉर्म में जाके इनको थोड़ा एंगल कर लेना पड़ेगा, मतलब यार ऐसे रखो जिससे देखने में अच्छा लगे। तो देखो अभी देखने में अच्छा लग रहा है। और अभी आप टेस्ट को डुप्लीकेट लेयर कर लो। डुप्लीकेट करने के बाद जो नीचे वाला लेयर होगा उसको आपको लीनियर डॉट्स देके ग्लस एंड ब्लर देना पड़ेगा। देन आपको ऊपर वाले टेस्ट पे जाके आपको ड्रॉप शैडो देना पड़ेगा, आपको ब्लर 19 रखना पड़ेगा। तो देखो जो 50% काम है वो खत्म हो गया है। तो अभी आपको एक इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो इस इमेज को ले जाने के बाद आपको इसको ओवरले कर देना पड़ेगा। तो फिर से आपको एक फोटो ऐड करना पड़ेगा, तो ये फोटो का आप फुल स्क्रीन कर लो पहले। तो ऐसे धीरे धीरे से एडजस्ट करके इसको ओके कर लेना पड़ेगा। ओके करने के बाद उसको लीनियर टच करके थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। बट उससे पहले हमने जो पहला वाला फोटो इंपोर्ट किया था उसका आपको ऑपोसिटी को 50% कर देना पड़ेगा। फिर इसको 50% करने के बाद जो फ्लेम वाला इफेक्ट है उसको आपको नीचे ले आना पड़ेगा। तो आपका जो ब्लैक फोटो होगा उसको आपको ऊपर रखना पड़ेगा। फिर भाई लोग थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम थोड़ा इमोजी ऐड कर लेते हैं। तो जो इमोजी है तो उसको आपको अच्छे से एडजस्ट करना है जिससे देखने में अच्छा लगे। तो यार देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद आपको एक एरो ऐड कर लेना पड़ेगा। तो एरो को पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो जो टेस्ट है उसको मैं टारगेट कर रहा हूं बेसिकली। तो इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं हाउ टू मेक पे इसको टारगेट करूंगा। पहले तो जगह नहीं है तो छोटा करना पड़ेगा ना, तो छोटा कर लेता हूं। फिर अच्छे से पोजीशन हिसाब से कर लेता हूं टारगेट। तो यार इतना काम तो हो गया, आपको भी एक PNG ऐड करना पड़ेगा। हमारा जो प्यारा फ्री फायर है उसका PNG लो और इस साइट में एकदम ही कॉर्नर पे आपको रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने रख लिया, अब मैंने ओके कर देता हूँ। तो फिर से आपको एक फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो फोटो का ऐड करने के बाद आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको लीनियर डच ऐड कर देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको एक ब्रश लाइट ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको एक ब्रश लाइट लेना पड़ेगा। ब्रश लाइट देने के बाद आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं हो जाए। तो यार इतना काफी है, तो मैं इसको सेव करके इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको फ्लिप वाई पे करके थोड़ा बड़ा कर
लेता हूँ जिससे हर जगह लाइट पड़े। एंड अभी आपको ये लीनियर डच कर देना पड़ेगा दोनों को। तो फाइनली अपना जो थंबनेल है वो बन के रेडी हो गया है। और आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर लेना। तो देख ही सकते हो कितना इजीली आपने थंबनेल बना लिया। बट भाई लोग तुम लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? और चैनल को सब्सक्राइब और पास में नोटिफिकेशन बेल दिखेगा उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। और भाई लोग वीडियो को एक लाइक कर दो और एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। और तुम लोग अगर कोई मुझसे पर्सनली हेल्प चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यूजर नेम है @nightgrowgamer। भाई लोग कमेंट करके बताओ तो वीडियो कैसा लगा। वीडियो कैसे देखा तुम? तो चलिए बाय बाय।